इस चैप्टर में हम बात करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं, डायरेक्टर्स की पावर्स क्या होती हैं, और दीगर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टर किसको कहते हैं, डायरेक्टर कौन होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किसी भी कंपनी के अंदर, खासतौर पर हम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की अगर बात करें, तो उस पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, जो कि उनके बिहाफ पर एक्ट करते हैं, और वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। और एजेंट अपॉइंट करने वाले को कहा जाता है प्रिंसिपल। सो बेसिकली प्रिंसिपल हो गए शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स हो गए एजेंट, और एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, कॉल्ड एजेंसी रिलेशनशिप। अब उस रिलेशनशिप में क्या होगा कि कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, और उसके बिहाफ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कंपनी को चलाएंगे। और यूजुअली जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें दो टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली, विच इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो के काम करते हैं, जो फंक्शनिंग को देखते हैं, और कुछ होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। नाउ सी व्हाट इज द टर्म डायरेक्टर कॉल्ड। द टर्म डायरेक्टर इंक्लूड्स, डायरेक्टर के अंदर लेंगे एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो डायरेक्टर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो डायरेक्टर कहलाएगा, चाहे उसका नाम आप कोई भी दे दें, उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो। अगर वो काम वो कर रहा है जो डायरेक्टर्स वाले काम होंगे, तो हम कहेंगे ये डायरेक्टर है। और डायरेक्टर का मैंने बताया, जो कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर एक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स ने उनको अपॉइंट किया हुआ होता है। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। एक डीजोर डायरेक्टर होता है, अ पर्सन हु इज फॉर्मली एंड लीगली अपॉइंटेड और इलेक्टेड एज डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड गिव्स रिटन कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। यानी कि ये वो बाकायदा प्रॉपर डायरेक्टर होगा जिसको अपॉइंट ही एज अ डायरेक्टर किया गया होगा कि जी आपका ये काम है, आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं, आप एचआर डायरेक्टर हैं, आप आईटी डायरेक्टर हैं, आपको इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है। उसके बाद एक होता है डीफेक्टो डायरेक्टर। डीफेक्टो डायरेक्टर इससे मुख्तलिफ होता है, एनी पर्सन जो कि टेक्निकली डायरेक्टर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू हुज डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस अदर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज आर अकस्टम टू एक्ट इज लीगली डीम्ड टू बी अ डीफेक्टो डायरेक्टर। अब जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ समटाइम्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई और होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्ट कर रहा होता है किसी और के डायरेक्शन के ऊपर। सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई तमाम तमाम एम्प्लॉयज किसी बंदे की डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं, वो टेक्निकली डायरेक्टर नहीं है, तो हम कहेंगे काम तो डायरेक्टर वाले कर रहा है, तो हम कहेंगे ये डीफेक्टो डायरेक्टर है, ये एक प्रॉपरली अपॉइंटेड डायरेक्टर नहीं है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर ली जाए, तो डायरेक्टर्स आर क्लासिफाइड एज मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज सीईओ। शेडो डायरेक्टर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू कैरी आउट ओवरऑल डे टू डे मैनेजमेंट फंक्शन। देखें, एमडी या सीईओ जो होता है ना, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होता है उनका हेड होता है। ये क्या कहलाता है, ये होता है हेड ऑफ दी डायरेक्टर्स। सो इसका काम है कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना। कंपनी जो कर रही है उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है, सीईओ, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका एक ड्यूअल रोल होता है। रोल क्या होता है कि ये बोर्ड का मेंबर भी होता है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है। तो डबल रोल प्ले कर रहा होता है कि मेंबर ऑफ बोर्ड भी है और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। इसके साथ, अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो सारे डायरेक्टर्स होंगे जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होंगे, यानी कि आप काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, तो आप एम्प्लॉय हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो सकता, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा।
और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉइंट किया गया होगा, तो उसका एक स्पेसिफिक रोल होगा अंडर अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लॉयज का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसका एक स्पेसिफिक रोल है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एच आर डायरेक्टर अपॉइंट किया, अब वो एच आर डायरेक्टर का स्पेसिफिक रोल क्या है, हायरिंग एंड फायरिंग के मैटर्स को डिस्कस करना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फाइनेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और दीगर डिसीजंस को देखेगा। हमने आईटी डायरेक्टर अपॉइंट किया, वो कंपनी के आईटी के तमाम एस्पेक्ट्स को देखेगा, उसका एक स्पेसिफिक रोल होगा। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी में जितने भी होते हैं उन सबका एक स्पेसिफिक रोल होता है, और ये डिस्टिंग्विश किए जाते हैं विद स्पेसिफिक टाइटल एज आई टोल्ड यू, जैसे एचआर डायरेक्टर, जैसे फाइनेंस डायरेक्टर, जैसे आईटी डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइकवाइज जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एनएडीज होते हैं, इनका क्या होता है, ये पार्ट टाइम होते हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते, ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, तो इनको हम एम्प्लॉयज काम नहीं करते, पार्ट टाइम पर आते हैं, ये एम्प्लॉयज नहीं होते, पार्ट टाइमर्स होते हैं। ये अपनी एक्सपर्टीज बोर्ड के अंदर लेकर आते हैं, ये मेंबर ऑफ बोर्ड होते हैं, ये अपनी एक्सपर्टीज लेकर आते हैं, इनके पास स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होती है, और ये एक इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं, ये इम्पार्शल होते हैं, ये गैर जानिबदार होते हैं, ये कंपनी के क्योंकि डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, कंपनी को ये क्रिटिकली देखते हैं, इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और ये कंट्रोल एग्जर्ट करते हैं ओवर एग्जीक्यूटिव, सो क्योंकि एग्जीक्यूटिव के ऊपर सुपरविजन के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, और इनकी जो ड्यूटीज होती हैं सब्जेक्ट टू सेम ड्यूटीज, कंट्रोल एंड पोटेंशियल लाइबिलिटीज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बस मेन फर्क ये है कि ये नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज में काम नहीं करते, ये बोर्ड की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, उन स्ट्रैटेजीज पर अपना एक ओपिनियन देते हैं, क्रिटिकली देखते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, तो आप आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो है एग्जीक्यूटिव्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन जो होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, चेयरमैन हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और चेयरमैन क्या करता है, चेयरमैन बोर्ड की मीटिंग अरेंज करवाता है। बोर्ड की मीटिंग अरेंज करवाना मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, एग्जीक्यूटिव्स और नॉन एग्जीक्यूटिव्स की और जो अदर मीटिंग्स है, तो चेयरमैन उन मीटिंग्स को हेड करता है। चेयरमैन एक्ट एज ए स्पोक्समैन फॉर द कंपनी, और उसका एक कास्टिंग वोट होता है, अगर मीटिंग वगैरह के अंदर बात की जाए तो उसका एक कास्टिंग वोट होता है। इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं शेडो डायरेक्टर। शेडो डायरेक्टर कौन होता है, अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर अकस्टम टू एक्ट, उसको हम शेडो डायरेक्टर कहते हैं। अच्छा, शेडो डायरेक्टर का मतलब है, एक शेडो मतलब एक हाइड किया हुआ डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर रेगुलेट तो कर रहा होगा एक्टिविटीज को, कंट्रोल भी कर रहा होगा, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और लाइबिलिटीज को एज अ डायरेक्टर इवेड कर रहा है ना, छुपा रहा है, वो उसको क्लेरिफाई नहीं कर रहा, वो शेडो डायरेक्टर है, और जितने भी रूल्स हैं कंपनी लॉ के वो उस पर भी एप्लीकेबल होते हैं, शेडो डायरेक्टर्स पर भी, ऐसे ही जैसे नॉर्मल डायरेक्टर्स होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जैसे कंपनी को कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, अकाउंटेंट से या लॉयर से, तो वो शेडो डायरेक्टर नहीं होगा, वो एक थर्ड पार्टी है, उसको हम शेडो डायरेक्टर नहीं कह सकते। शेडो डायरेक्टर वो जो डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है लेकिन वो अपने आप को छुपा रहा है, इसलिए हम उसको शेडो डायरेक्टर कहते हैं। इसी तरीके से हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स की। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टर्स के बिहाफ पर ऑल्टरनेट अपॉइंट करना, तो डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर ऑल्टरनेट को अपॉइंट कौन करता है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं अटेंड और वोट करने के लिए बोर्ड मीटिंग्स में। अगर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो किसी और को नॉमिनेट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर मीटिंग में आओ और हमारे बिहाफ पर वोट कास्ट करो, तो उसको हम नाम दे देते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नहीं कि इमरजेंसी में आपने किसी बंदे को हायर कर दिया। वो कोई और डायरेक्टर हो सकता है विद इन द सेम कंपनी या आउटसाइडर भी हो सकता है, जैसे हम नॉमिनीज बनाते हैं कि आज मैं नहीं आ सकता तो मेरे बिहाफ पर आप जाओ, एक मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उनके अंदर वोट कास्ट किए जाएंगे, तो मेरे बिहाफ पर एज अ नॉमिनी बनकर आपको वोट कास्ट करना है ताकि मेरी रिप्रेजेंटेशन वहां पर हो जाए।